हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ। दलाल साहब, बजट को कैसे देखते हैं, खासतौर पर किसानी जो आपका महकमा है उसको लेकर कैसे इस बजट को आप देखते हैं? संतुष्ट हूँ, ओवरऑल बजट 13% बढ़ा है, लेकिन किसानी का बजट जो है वो 21% बढ़ा है, तो अच्छी ग्रोथ है। मुझे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, खासकर हॉर्टिकल्चर के किसानों को, पशुपालकों को, मछली पालकों को, वेयर हाउसिंग की कमी थी वो भी दूर होगी, और मंडी जो है 800 करोड़ रुपए मंडी जो हमारी गन्नौर की है उसके लिए बजट से प्रावधान किया है, ये स्वागत करता हूँ मैं। 20% की जो बढ़ोतरी, 21% की जो बढ़ोतरी है सर इस बजट में, कृषि के बजट में, उससे किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, या बागवानी के क्षेत्र में काम होगा, या फिर माइक्रो इरिगेशन के लिए काम होगा? सभी क्षेत्र में कुल मिला के बढ़ोतरी है, उसमें फिशरीज का भी है, पशुपालन का भी है, हॉर्टिकल्चर का है, मंडियाँ बनाने का है, किसानों को और सुविधा देने का है, तो ये साल किसानों के लिए सुखदायी होगा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब इस बजट के बाद किसानों की आय दोगुनी हो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा? बजट उसी तरफ चल रहा है, सही है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुही है, बजट में आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का काम तो हर चीज में कमी निकालना है, कांग्रेस से कोई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंकड़े बोलते हैं, सब तथ्य सामने रखे गए हैं। कांग्रेस तथ्यों पे से बचना चाहती है और जुमलेबाजी करना चाहती है।